गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? मजे में? मैं भी मजे में हूँ। तो अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सभी पहली कक्षा में हो, है ना? हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं आपको मालूम है? हाँ, आज भी हम दो वर्णों की पहचान करने वाले हैं। हम कौन से वर्णों की पहचान करने वाले हैं? चलो अपनी किताब निकालो सब। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यह हिंदी अक्षरमाला किताब होगा। हाँ ठीक है, तो इसमें पेज नंबर 40 यानी कि 40 है कि 40 नंबर के पेज पर आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई देगा। किसका चित्र है ये? अंगूठे का। हाँ, तो अंगूठा यह शब्द जो है ये इस वर्ण से शुरू होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यह जो वर्ण है ऐ, इसके ऊपर यह अ है। हाँ, अ से अनार, अ से अक्षर, ये तो हमने हमें मालूम है ना? हाँ, तो ये अ के ऊपर हमने क्या दिया है? एक बिंदी दी है और एक चंद्र दिया है, बिंदु और चंद्र हमने दिया है, तो ये बन गया ऐ। ठीक है, और ये ऐ से क्या पहला शब्द कौन सा तैयार होता है? अंगूठा। सबके पास है ना? कितने सारे हैं? दो है, एक और दो, ये अंगूठे। तो ऐ से अंगूठा यह शब्द तैयार होता है। ऐ से और भी कई शब्द तैयार होते हैं, जैसे कि अंधेरा। हाँ, जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है ना? हाँ, ऐसे अंगूठी यह भी एक शब्द तैयार होता है। ठीक है बच्चों? हाँ, और ऐसे कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो वो शब्द आपको ढूंढने हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा वर्ण है अ। कौन सा वर्ण है? अ। तो अ से क्या आता है? ये कब है? हाँ, ये है अक्टूबर। और ये कहाँ रहता है? ये रहता है पानी में, समुद्र में रहता है ना? हाँ, आपने नहीं देखा होगा लेकिन आपने टीवी पे कार्टून जब देखते हो आप, तो उसमें ऑक्टोपस आपने देखा होगा और ऑक्टोपस का चित्र भी देखा होगा, है ना? हाँ, तो अ से ऑक्टोपस, इसमें हमने क्या किया है? देखो, यह हमारा वर्ण है अ और इसके ऊपर हमने दिया है चंद्र, तो ये वर्ण कौन सा बन गया है? अ। तो अ से ऑक्टोपस, अ से ऑक्टोपस यानी कि ऑक्टोपस यह शब्द अ वर्ण से शुरू होता है। ठीक है, तो अ से और शब्द तैयार होते हैं। कौन से होते हैं? अ से ऑफिस। हाँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं, तो ऑफिस यह शब्द हम रोज इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अ से आता है ऑस्ट्रिच। तो ये ऑस्ट्रिच क्या है? ऑस्ट्रिच एक पक्षी है। क्या है? पक्षी है, बर्ड है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो आज हमारा यह ऐ और अ, इन दो वर्णों की आज हम पहचान करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है मालूम है? आपकी जो यह बुक है, कौन सी? हाँ, ये अ बुक जो है, इसके ऊपर 40 नंबर के पेज पर ये जो आपको प्रैक्टिस ली है लिखने के लिए, हाँ, तो आप पेंसिल हाथ में ले लो और ये सब एन अच्छे से आपके बुक में, किताब में अच्छे से लिख लो। ठीक है, पर आपका हस्ताक्षर कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी है। हाँ, तो आपकी उंगली कहाँ होनी चाहिए? इस किताब, ये पंक्तियां मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है बच्चों? हाँ, ऐसे अंगूठा देता है सबको भरोसा, ऐसे अंगूठा देता है सबको भरोसा, यानी कि क्या? ऐसे हम कोई भी काम करते हैं तब हम करते हैं डन, यानी कि अंगूठा दिखाते हैं ऐसे। हाँ, तो ये क्या देता है? हमें भरोसा देता है कि ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे गृह कार्य है, यहाँ भी आपको एक
बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आपके समझ में आ गया। वेरी गुड, उसके बाद यदि आप पेस्टअप करोगे तो आपको दिखाई देगा हमारा अगला वर्ण, हाँ, जो कि है अ। हाँ, कौन सा वर्ण है हमारा अ, और अ से क्या आता है? ऑक्टोपस। हाँ, तो चलो अब हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अपनी उंगली रखो। वर्ण लिखिए, जो वर्ब हमने चित्र देखते हैं
वही चित्र यहाँ पे है ना। हाँ, ऐसे अंगूठी, ऐसे अंधेरा और ऐसे अंगूठा, है ना। हाँ, तो ये देख देख कर आपको यहाँ पेंसिल से लिखना है। किससे लिखना है? पेंसिल से। हाँ, और इरेजर का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करने वाले। हाँ, क्योंकि हमारा जो ये वर्कशीट है ये क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। हाँ, इसके बाद यदि आप पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रंग भरो। तो जिस तरह आपने बुक में रंग भरे हैं, इसी प्रकार यहाँ पे आपको रंग भरने हैं, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ पे पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट, यानी कि आपको बोल बोल कर क्या करना है, ये वर्ण लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है? एंड। हाँ, उसके बाद हमारी बारी आती है दूसरी नंबर की, जो कि है हमारा अ। अ से कौन से शब्द आते हैं? ऑफिस, ऑस्ट्रीच, ऑक्टोपस। हाँ, तो यहाँ पे आपको बोल बोल कर अ लिखना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप यदि पेस्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे भी हमें रंग भरना है। हाँ, और यह चित्र कौन सा है? ऑक्टोपस का। हाँ, ये देखो कैसे हंस रहा है। हाँ, और इसके बाद भी पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट में आपको क्या करना है? पेंसिल से और लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको गुड हैंडराइटिंग में अच्छे से ये सब लिखना है, कलर करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना। हाँ, तो इसके बाद हमारा आता है क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि क्लास टेस्ट में हमें कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ मैंने लिखा लिख कर दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है? टिक। आपको क्या करना है? टिक। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा क्लास टेस्ट नंबर है 15। कौन सा क्लास टेस्ट नंबर है? 1/50। तो इस 1/50 क्लास टेस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? देखो, वर्ण वर्ण और आपके शब्दों पर टिक लगाओ। बहुत ही आसान है, और उसके लिए 10 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स है। हाँ, तो ये जो यहाँ पे 10 शब्द लिए हैं, तो इस 10 शब्दों में से इन वर्णों से जिन शब्दों की शुरुआत होती है उन पर आपको सिर्फ क्या लगानी है? इस प्रकार टिक लगानी है। हाँ, और जो शब्द इन वर्णों से शुरू नहीं होते उनके जो बॉक्स है वो ऐसे ही खाली छोड़ दो, उस पर कुछ मत लिखना, ठीक है बच्चों। हाँ, ये देखो हमारी क्लास टेस्ट नंबर 15, यानी कि 15, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, क्योंकि आज हमने इतने वर्णों की पहचान की है, और यानी कि हमने 2 वर्णों की पहचान की है, और ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ो।